शॉर्ट आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आएगी। बहुत से आदमी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं यूनमिन की वन शॉट बनाऊं, सो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूं। सो आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप यूनमिन की ऐसी अच्छी-अच्छी और स्टोरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अब चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूं। आई एम सो हैप्पी कि आज मेरी बेटी को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, मुझे तो बहुत ही खुशी है, और आई होप कि उन्हें मेरी बेटी पसंद है। और आज मेरी बेटी भी वापस आ जाएगी जिमिन, वो अपनी पढ़ाई करके वापस आ रही है, आई होप कि वो भी जल्दी से आ जाए। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, जिमिन आती होगी, उसने कहा नहीं था कि वो आज आ जाएगी, इसका मतलब वो आज ही आएगी, चाहे देख लेना अभी थोड़ी देर में आती होगी, उन लोगों के आने से पहले आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई बात नहीं, एक काम करो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें तैयार होना जरूरी है। बाद जिमिन वो ड्रेस लेकर जाती है और चेंजिंग रूम में चेंज कर लेती है।
सच में कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस। मन कर रहा है इसको अभी खरीद लूं, पर क्या करूं, अगर खरीद भी लूंगी तो पहन नहीं पाऊंगी। जीवन यार, अगर हो भी गया है तो बाहर भी निकल, दिखा तो दे अपना मुखड़ा, कैसा लग रहा है? हां रोज, ये ड्रेस अच्छी तो है पर बहुत ही छोटी है। नहीं नहीं, मैं इसको चेंज कर देती हूं। अरे चेंज क्यों कर रही है, बाहर तो निकल, एक बार देख तो कैसी लग रही है। वाओ कटी जहर, ऑसम, ग्रेट, वाओ बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। एक काम करो ना, तुम ऐसे ही घर जाओ, बहुत अच्छी लगोगी। हां ये फोटो क्लिक किसने की? अब जल्दी से निकल निकल निकल। रोज वो, हां ये क्या, ओ गॉड, मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं से बाहर नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम उसके पीछे जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आती हूं। तुम्हें नहीं पता मेरे घर पे ये सब अलाउड नहीं है। मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, इसीलिए मैं लंदन में थी और इसीलिए मैं यहां पर ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूं। डोंट वरी, मैं भी आती हूं, तो तुम कपड़े चेंज करो, मैं आती हूं। फिर रोज भागते हुए उन लोगों के पास जाती है, वो लोग जा ही रहे थे। हे व्हाट द हेल, हां तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी फ्रेंड की फोटो क्लिक करने की? ओ तो तुम इस फोटो की बात कर रही हो, क्यों ना खींचूं। वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है, सो इसीलिए मैंने फोटो क्लिक कर ली। एक चपेट में दोनों सीधे हो जाओगे, चुपचाप मैंने जो कहा है वो कर दो। फोटो डिलीट करो। डिलीट तो नहीं लेकिन वायरल जरूर करूंगा। क्या हो रहा है यहां पर, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो, शर्म नहीं आती? रुक, शुगर इंजन से फोन ले लेता है, वो उसको मारने ही वाला था कि तभी अच्छा ही फंस गया। चल हम लोग चलते हैं, इन लोगों को लेने दो। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जिमेन को लगता है कि शुगा वही है जिसने फोटो क्लिक की है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फोटो क्लिक करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तो तुम नहीं बचोगे। रुको जिमेन तो गलत समझ रही है, मैं तुम्हें नहीं, रोज आज तो इसको बताना ही पड़ेगा कि लड़कियां क्या चीज होती है। इसको क्या लगता है कि लड़कियों की इज्जत के साथ खेलेगा? रुको होगी।
बेटा ये हमारी छोटी बेटी जिमिन। वाओ जिमिन आप तो बहुत ही प्यारी हो। थैंक यू सो मच अंकल, आप भी बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो। अब मैं जाऊँ मॉम? ओके बेटा ठीक है तुम जाओ, एंड हाँ टेक को तैयार करके नीचे ले आना। ओके मॉम मैं अभी जाती हूँ। फिर उसके बाद जिमिन टेक के रूम में चली जाती है। वहाँ देखती है कि टेक चुपचाप बैठी हुई है। दीदी कैसे हो आप? आई मिस यू सो मच, आपको पता मैंने आपको कितना मिस किया था वहाँ पर। वैसे आप ऐसे क्यों बैठे हो? आपको जल्दी से रेडी होकर नीचे जाना चाहिए। नीचे वो लोग आ गए हैं जो आपको देखने आए हैं। वहाँ पर दो लड़के बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें से मेरा जीजू कौन है। दीदी आई नो कि आप नर्वस हो, पर आप नर्वस क्यों हो? और वैसे भी मुझे यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद करेंगे। आप हो ही ऐसी चीज जो कोई भी एक बार में देख के पसंद कर ले। एंड हाँ प्लीज ऐसा सैड फेस मत बनाइए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इसे थोड़ी ही मैं आपको रेडी कर देती हूँ। हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप लोग कैसे हो? बेटा तुम होते वाओ सो ब्यूटीफुल, तुम कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे घर की बहू बनोगी। भाई मैंने तो तेरे को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब आप लोग बताइए मेरा बेटा आपको कैसा लगा? अब आपकी पसंद हमारी पसंद ये कोई मायने नहीं रखती है, इसमें बच्चों की पसंद ज्यादा मायने रखती है। ते तुम्हें जंकू कैसा लगा? मॉम आपको लगता है कि दीदी यहाँ पर जवाब दे पाएंगी? अब एक काम कीजिए, जीजू और दीदी को दोनों को अकेले में बात करने दीजिए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर लेंगे, अपने बारे में थोड़ा बहुत जान भी लेंगे और अच्छा भी होगा। तो प्लीज बात करने दीजिए। हाँ नाइस आइडिया जिमिन, तुम जकू को बालकनी में लेकर जाओ, वहाँ पर तुम लोग आराम से बात कर लो। ओके एंड हाँ बिल्कुल भी शर्माना नहीं। जी मॉम चलिए। फिर उसके बाद ते और जकू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मॉम आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जिमिन तुरंत जाती है किचन में और चाय बनाने लगती है। मॉम मैं आ गया, आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया ना। आई एम रियली सॉरी, बट मैं क्या करूँ, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड की वजह से लेट हो गया। यहाँ पर तो आप लोग इतना सीरियसली क्यों बैठे हैं? यहाँ पर आपको लड़की देखने आए, थोड़ा तो हंसिए। लगता है तेरी भाभी और तेरा भाई दोनों बात करने गए हैं, तभी तो यहाँ पर सब लोग सीरियसली बैठे हैं। हम लोग भी बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद शुगा और जैक दोनों जैसे ही बैठने वाले होते हैं, वहाँ पर जिमिन की एंट्री होती है। वो चाय लेकर बाहर आती है और शुगा उसे देखकर शॉक हो जाता है और जिमिन भी। हाँ तुम यहाँ? हाँ इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो? नहीं मॉम मैं नहीं मिला हूँ इनसे, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि इनकी शक्ल किसी से मिलती है, बस इसीलिए थोड़ा धोखा खा गया था। ये बिल्ला झूठ क्यों बोल रहा है? मुझसे मिल तो चुका है। कोई बात नहीं, ये जो बोल रहा है इसका मतलब कोई तो बात है, बात में पूछ लूंगी। अभी इसके झूठ पे पर्दा डाल देते हैं। वाओ डेस्टिनी तो देखो, तुमने कहा था कि तुम उसकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करती, लेकिन वो तुम्हारे घर पे बैठा है। चलो खैर छोड़ो, वैसे भी वो मेहमान की तरफ से आया है तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। एक मिनट ये यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये भाभी की कोई रिश्तेदार तो नहीं है? वाओ तब तो मजा आ जाएगा, अब देखो शादी में कितना मजा आता है। क्या हुआ बेटे, तेरे मुंह में लड्डू की फोटो है, इतना हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं मॉम बस कुछ सोच रहा था। वैसे मॉम मुझे बहुत जोर से आई है, आंटी यहाँ पर कहीं वॉशरूम में मुझे जाना है। वॉशरूम जाना है? जिमिन तुम एक काम करो, शुगा को वॉशरूम दिखा दो। ओके मॉम ठीक है चलो तुम। फिर जिमिन शुगा को वॉशरूम दिखाने के लिए चली जाती है। देखिए मैं आपसे झूठा प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि सच में मैं आपको बहुत ही खुश रखूंगा, दुनिया की सारी खुशी आपको ला कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे कैसी बात करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपको बहुत ही खुश रखूंगा। मुझे वाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। तो क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं? जाओ जल्दी अब करके आओ, लगता है तुम्हें देखकर कि बहुत ही तेज से लगी है, जल्दी जाओ। हाँ ठीक है कर
लूंगा लेकिन मैं ली गाना गाऊं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं गाना गाऊं? पागल हो गए हो? चुपचाप करो और निकलो बाहर। देखो तुम मानो या फिर न मानो, मैं बिना गाने की सुसु नहीं कर पाता हूँ। ठीक है तुम नहीं गाती, मैं गा लेता हूँ। कोई गाना नहीं गाना है आजकल, वैसे भी कॉपीराइट का सिस्टम बहुत चल रहा है, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं गाऊंगा, तुम बाहर वेट करो। फिर उसके बाद शुगा बाहर आता है और जेमिन और शुगा दोनों बाहर आ जाते हैं और टेगो भी उधर से आ रहे होते हैं। तभी जिन कहती है, बेटा प्लीज अपनी शर्म को साइड करके और मुझे ये बताओ कि तुम्हें ते कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो बताओ। मॉम मुझे ते पसंद है और मैं ते से ही शादी करना चाहता हूँ। वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जंगकुक को मेरी ते पसंद है। ते तुम्हें जंगकुक पसंद है? यस मॉम। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है नामजून, हम लोग रिलेटिव्स बन गए। वाओ आई एम सो हैप्पी। हाँ बॉगम मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे रिश्ता पक्का भी हो गया और हमें बुलाया भी नहीं, इस बिल्ली की वजह से लेट हो गया। वैसे शादी का फिक्स है आंटी, कभी भी रखना, लेकिन हाँ एक महीने से पहले रखना, बिकॉज एक महीने बाद में मैं चली जाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दीदी की शादी अटेंड कर लूँ, उसके बाद ही जाऊँ, तो जल्दी करवा दीजिए। डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, तुम एक महीने बाद चली जाओगी ना, एक ही महीने में हम लोग शादी करवा देंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बोलिए। मॉम मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी शादी हो जाए, मुझे बहुत खुशी है कि जल्दी शादी हो जाएगी, मुझे भाई की शादी जल्दी देखनी है, बिकॉज मैंने डांस स्टेप भी बना ली है। हाँ तू तो है ही डांसर। हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने में शादी हो जाएगी, है ना रिप? हमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बिजनेस का कोई भी काम नहीं है, हम लोग एक महीने की छुट्टी ले लेंगे, क्यों है ना बॉगम? नहीं नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक महीने की छुट्टी लेनी है ना ले लूंगा, कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है और अब हम लोग हल्दी वाले दिन मिलेंगे। एंड हाँ मैंने एक होटल बुक कराया है, वहीं पर हल्दी होगी, तो प्लीज आप लोग लेट मत करना और जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना। ओके अब हम लोग चलते हैं, बाय। ओके ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके एक हफ्ते बाद हल्दी कर दें। आंटी ये की है आपने समझदारों वाली बात। हाँ एक हफ्ते बाद ही हल्दी कर दीजिए मॉम प्लीज। हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हम लोग एक हफ्ते बाद ही हल्दी कर देंगे। तो इसके बाद सब लोग एक दूसरे को बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
ओ जाना ओ जाना ओ चलो आप लोग भी आ गए, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। आप लोगों ने लेट कर दिया, आप लोगों ने कहा था कि आप जल्दी आ जाओगे लेकिन थोड़ा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आइए फिर बैठो यहाँ पर। पेटे जंगकुक के बगल में आकर बैठ जाती है। जिमिन अभी वहाँ पर एंटर नहीं की थी बिकॉज वो अभी बाहर खड़ी हुई थी। चलो भाभी भी आ गई, इनकी पूरी फैमिली आ गई लेकिन इनकी बहन नहीं आई, ये कैसे? मैं तो उसके लिए इतना तैयार हुआ था और वो आई भी नहीं, क्या करूँ? एक काम करता हूँ बाहर देख लेता हूँ, आई ही कैसे नहीं, देख लेता हूँ बाहर ही होगी। इसके बाद शुगा जिमिन को ढूंढते हुए बाहर जाता है तो वो देखता है कि जिमिन बाहर किसी से लड़ रही थी। लो इन मैडम का मैं इतनी देर से अंदर वेट कर रहा हूँ और ये यहाँ पर लड़े जा रही है, ये कितना लड़ती है, एकदम लड़ाका लड़की। एक काम करता हूँ देख लेता हूँ किस बात से लड़ रही है। ओ सॉरी भैया सॉरी, आप एक काम कीजिए मुझे दे दीजिए। हे मिसेस लड़ाका, यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो लड़की रहती हो, किससे लड़ रही हो और किस बात से लड़ रही हो? इसने कहा है कि ये फ्लावर यहाँ पर लगेंगे और मुझे ये फ्लावर बिल्कुल पसंद नहीं, इससे मुझे एलर्जी है, इसलिए मैंने कहा इसको हटा दो लेकिन ये हटाता ही नहीं है। ओ तो इस फ्लावर से तुम्हें एलर्जी है, तो फिर अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखो प्लीज इस फ्लावर को दूर रखो, इससे मुझे बहुत एलर्जी है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो इसके साथ कोई खेल नहीं प्लीज। नहीं नहीं ये फ्लावर तुम्हारे बालों में बहुत अच्छे लगेंगे, चलो मैं लगा देता हूँ। ये बात सुनकर जिमिन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और शुगा भी उसके पीछे पीछे भागता है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? दम है ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा।
चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। मॉम देखिए दीदी रोने लगी, उन्हें मैं छुपा कर आती हूँ। अब 2 मिनट रुके। प्रेत जिमिन बे के पास जाती है और उसको हग कर लेती है और बोलती है, दीदी आप भी ना, आप रो क्यों रही हो? बस ये सोचिए कि आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, दोनों आप ही का घर है, तो आप प्लीज रोइए मत, अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी प्लीज मत रोइए, देखिए अगर आप ऐसे ही रोती रही ना तो मैं भी रोने लगूंगी और बस से मॉम डैड को बहुत ही बुरा लगेगा, तो प्लीज मत रोइए प्लीज। अब यहाँ से पूछिए और अपना मुंह ठीक कीजिए और प्लीज आप स्माइल कीजिए। देखिए जिनो भाई ने आपके लिए इतना अच्छा सॉन्ग बनाया है, लेकिन आप वो रो ही जा रही हो, प्लीज मत रोइए। वेरी गुड। एंड हाँ, अब देखिए जिनो भाई आपके लिए इतना सॉन्ग गा रहे हैं, तो उनकी तरफ देखिए, रोइए नहीं। जब ऐसे शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो। कॉम्पिटिशन। ओके पहले जिमिन तुम डांस करके आओ, देखता हूँ कि तुम्हारा कैसा डांस।
और उसके बाद मेरा डांस होगा, ओके? ऑफ कोर्स मैं जीतूंगी और सब लोग मुझे वोट देंगे, चल देख लेना, बिकॉज़ जिमी इज द बेस्ट। देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर उसके बाद जिमी डांस करने लगती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। हो गया हूँ मैं पागल अब तेरे लिए, तेरे बिन दिल बेचारा ये कैसे जिए, मैंने खोई चैन पाई तुझ में खुशी, तू बनी जाने जाना मेरी जिंदगी। वो पहली बार जब हम मिले जी। होप को रोज का डांस अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके स्टेप उसको पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए वो
sorry Rose, but इस time मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे जेहोप के पास जाना है, because जेहोप ने अच्छा डांस किया तो मैं उसको वोट दूंगी, so sorry. अरे तुम क्या, मैं खुद ही उसको वोट दूंगी, इतना अच्छा उसने डांस किया, उसके सामने तो मेरा डांस तो कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं. कोई बात नहीं, पहली बार हारी हूँ, कोई बात नहीं, इतना चलता है. ये सब छोड़ो दीदी, आप क्यों नहीं करते हो, आपने तो मुझे डांस सिखाया है तो आपको तो आता ही होगा, तो चलिए अब करिए. हाँ ये क्या बोल रही हो जिमिन, नहीं नहीं मुझे नहीं आता. प्लीज सच में आपको डांस आता है तो प्लीज मेरे लिए कर दीजिए, मैं आपका डांस देखना चाहता हूँ, प्लीज एक बार कर दीजिए, उसके बाद आप मत करना, लेकिन हाँ प्लीज एक बार कर दीजिए. क्या जानकुक आप भी शुरू हो गए, पर मैं ठीक है मैं करूँगी, लेकिन एक शर्त पे, आपको भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं करूँगी. ओके डन, मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका डांस देखना चाहूँगा, तो आप करिए प्लीज. फिर बहुत शाय फील करेगी, बट सब लोग उसे फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेज पे चली जाती है और वो डांस करने लगती है. Truth and dare खेलने जा रहे हैं। अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, truth and
सब छोड़ो, मैं तो सोच रहा हूँ कि अंकल आंटी सब लोग खेलेंगे तो और मजा आएगा। और हाँ, जंगकुक और ते तुम दोनों भी साथ में बैठो, हम लोग सब साथ में खेलेंगे तो और मजा आएगा, है ना आंटी? हाँ बेटा यंगु, तुमने एकदम ठीक कहा। बॉगम चलो हम लोग भी खेलते हैं, मुझे भी खेलने का मन कर रहा है। क्या लीसा, तुम भी बच्चों में बच्ची बन जाती हो। नहीं नहीं खेलना है, तुम बैठो। जब मेरी सुननी नहीं थी तो इसने पूछा क्यों। कोई बात नहीं, अब ये गई है तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। लीजा मैं भी आ रहा हूँ। अरे तुम खेलोगे या फिर नहीं? अगर नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। ऐसे कौन पूछता है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ मैं खेलूंगा, चलो खेलते हैं। हाँ ये हुई ना बात, इनको हम सब खेलेंगे। और जगो देख तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ आओ हम लोग के साथ बैठो। जब सब लोग साथ में खेलेंगे ना तो और मजा आएगा, आओ जल्दी। हम मुझे तो मन नहीं कर रहा, आपको खेलना है तो आप जा सकती हैं, आप जाइए खेल लीजिए। जंगकुक आप भी ना, मैं अकेली नहीं जाने वाली, आप भी चलोगे। इतने सारे लोग हैं, इतनी फैमिली है, कितना मजा आ रहा होगा। चलो हम लोग भी खेलते हैं, हम लोग को भी मजा आएगा, चलो प्लीज। ओके ओके ठीक है, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो हम लोग भी खेलेंगे। मुझे मत भूलिए आप, मैं भी खेलूंगी। हाँ जी अजी आप? हाँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आइए बैठिए हम लोग भी साथ में खेलते हैं। सो फाइनल हो गया, अब चलो हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। हाँ क्या मैं मुझे क्या करना होगा? मैं ट्रुथ लूंगी, डेयर नहीं। वाह मॉम यू आर सो स्मार्ट। ओके आपने ट्रुथ लिया है ना, तो ठीक है आपको सच बोलना पड़ेगा। ओके तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने डैड को कितनी बार मारा होगा? जिमिन बेटा कैसे सवाल कर रही हो? नहीं लीजा तुम नहीं बता सकती क्योंकि तुमने मुझे कभी हाथ ही नहीं लगाया। तब क्या? नो बॉगम मैंने ट्रुथ लिया है ना तो मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। हाँ मैंने बॉगम को मारा है, और कितनी बार मारा है मुझे ये याद नहीं, तो मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि कितनी बार मारा है, लेकिन हाँ मारा है। आप तो एकदम मेरी मॉम जैसी हो। मेरी मॉम भी ऐसी है। ओके सो मैं फिर से बॉटल घुमाता हूँ। ओह तो अब की बार मेरी बारी है, तो मैं लूंगी डेयर बिकॉज आई एम ब्रेव गर्ल। वो तो देखते हैं कि तुम ब्रेव गर्ल हो या फिर नहीं। मैं तुम्हें डेयर में देता हूँ कि तुम जेहोप को आई लव यू बोलो, वो भी सबके सामने एकदम रोमांटिक मूड पे। क्या भाई ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने कहा ना आई एम ब्रेव गर्ल, तो देखो मैं बोलती हूँ जेहोप आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो बस आई लव यू बोलने को कहा था, तुमने कुछ वर्ड्स अलग से जॉइन कर दिए। कोई बात नहीं चलो फिर से घुमाते हैं इसको। लो मुझ पर ही आना था, बोलो मैं क्या करूँ। ओके मैं डेयर लेता हूँ। वाओ डैड ये हुई ना बात। ओके मैं आपको डेयर देता हूँ कि आप मॉम से रोमांटिक मूड में कुछ वर्ड कहें। ओके जेनू यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम दुनिया की सबसे प्यारी वाइफ हो, और तुमने जो मेरा ख्याल रखा है ना, आई नो कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। वाह डैड क्या रोमांटिक मूड था, कैसे आपने बोला। वाओ आरएम आप भी ना, मुझे कितना शायद ही लोग आपको पता है। चलिए अब इसको घुमाइए। हाँ ये तो मेरे ऊपर आ गया, मैं ट्रुथ लूंगी। वाह दीदी सबको डेयर मुश्किल मुश्किल मिल रहा है, इसीलिए आपने डेयर लिया ही नहीं। ओके तो ट्रुथ में मुझे ये बताइए कि आप जीजू से प्यार करते हो या फिर नहीं। हाँ ते ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तो बताओ। अब मैं क्या बोलूँ, हाँ क्या सच में? थैंक यू सो मच ऑलवेज ट्रुथ। हाँ तो जिंगो भैया आपके ऊपर आया है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप जिया को पसंद करते हो? क्या मुझे वो हाँ मतलब हाँ जैसे कि फ्रेंड की तरह अच्छी लगती है। ओह तो फ्रेंड्स की तरह अच्छी लगती है, कोई बात नहीं चलो गेम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बर्थ ओके मैं डेयर लेना चाहता हूँ बिकॉज आई लव डेयर। ओके तो आप जिमिन को किस कीजिए, मतलब चिक्स पे कीजिए। तो ठीक है मैं कर दूंगा बिकॉज ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं तो तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पर मैं तो करूंगा। इसी तरह सब लोग गेम खेलते हैं और इसे एंजॉय करते हैं, उसके बाद रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। ओह तो यहाँ पर सब लोग इसीलिए खड़े हैं बिकॉज वो आ रहा है। वैसे वो है कौन, उसका नाम तो मुझे पता ही नहीं है। वैसे यूनो भाई आपको वो कैसा लगता है? एकदम चोमू जैसा, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। वो मुझे ना इतना सा भी पसंद नहीं है, पता नहीं किसने जिमिन की शादी उसके साथ लगा दी। ओह नो, पर
पता नहीं जिमर उसे कैसे संभालेगी। वो अपने बाप के पैसों पे बहुत उछलता है और अपने बाप के पैसों की गर्मी दिखाया करता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत शौक करता है वो। एक्चुअली पेरिस के सबसे बड़े बिजनेसमैन उसके पापा हैं। बस उसी की वजह से वो कूदता रहता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सब लोग यहीं पर थे इसलिए मैं भी आ गया, वरना मैं कभी नहीं आता। सेम टू यू भाई, आपने उसकी भी तारीफ ही कर दी है, जो मुझे उससे नफरत हो गई। मुझे भी लगता है कि वो अच्छा इंसान नहीं होगा, लेकिन जेमिनस के पीछे इतना पागल क्यों है? आई डोंट नो, बट हाँ वो कहते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है, उसके पीछे ज्यादा लोग भागते हैं। तो वही वाला समझ लो, ये बिल्कुल भी जेमिन का इम्पोर्टेंस नहीं देता है और ना ही उससे बात करता है, लेकिन जेमिन उसके पीछे इतना पागल है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अब जेमिन की पसंद है तो क्या ही कर सकते हैं। शुगा कुछ बोलता है, उससे पहले ही वहाँ पर कई कार आके खड़ी हो जाती है। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Actually
और जैसे जंगो कितना अच्छा लगता है। ओके तो ठीक है, मैं आपके हाथ पे जे लिख दे रही हूँ। मैं भी लगाऊंगी मेहंदी। रोज तुम्हें तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है ना, तुम्हें मेरी लगाओ। और हाँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाना, ठीक है, सबसे ज्यादा। ओके जिमिन रिलैक्स, ठीक है मैं लगा दूंगी। वैसे इस पे लिखूं किसका नाम? मेरे हाथ पे तुम लिख दो काई। नो नो नो, काई मत लिखना, बिकॉज काई अगर लिखोगी ना तो तुम्हारी हाथ में भी काई लग जाएगी। सो काई मत लिखना। जिमिन तुम एक काम करो, रोज तुम इसके हाथ पे एस लिख दो। जिमिन कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन उससे पहले ही रोज उसके हाथ में एस लिख देती है। छूट गया था। ओ, ओ, जब देखो दौड़ा करती हो तुम। हाँ, तुम रो रही हो?
सुबह इतना बोलता है कि तभी वो जिमन के फटे हुए कपड़े देख लेता है तो वो शॉक हो जाता है। ये जिमन तुम ठीक हो ना? ये किसने किया तुम्हारे साथ? तुम ऐसे बाहर मत जाओ। तुम एक काम करो, तुम शांत हो जाओ और चलो मेरे रूम में, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो शुगा अपने रूम में जिमिन को लेकर जाता है और वहाँ पर बिठा लेता है और उसे पानी देता है। तुम रिलैक्स हो जाओ जिमिन, आर यू ओके? ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? अब तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो एक्चुअली मैं बस आई रही थी कि मेरा कपड़ा किसी में फंस गया और फट गया, तो तुम गलत मत समझो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। जिमिन तुम झूठ नहीं बोल पाती हो तो प्लीज झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, प्लीज बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा ना तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने जो बताया वही सच है, मैं जा रही हूँ बाहर। ओके फाइन, तुम मुझे नहीं बताना चाहती मत बताओ, लेकिन हाँ तुम ऐसे बाहर मत जाओ। एक काम करो, तुम मेरा ये कोट ले लो। फिर उसके बाद शुभ अपना कोट उतारता है और जिमिन को पहना देता है और बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ना तुम मुझे बता रही हो, कोई बात नहीं मत बताओ, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखना, बाय। इतना बोलकर शुभ वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करके वो भी बाहर आ जाती है। तुम दोनों कहाँ पर थे? हम लोग तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहे हैं, तुम लोग आ ही नहीं रहे थे। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा सा काम था, बस वही कर रहा था इसलिए लेट हो गया, और जिमिन भी मेरी हेल्प कर रही थी। जिमिन कुछ बोलती नहीं है, वो जाकर डे के बगल में बैठ जाती है। जिमिन आई ओके? क्या हो गया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? और तुमने वो कपड़े भी चेंज कर दिए, वो क्यों? हाँ वो तो तुम्हें बहुत पसंद था और तुमने बहुत ही दिनों से ढूंढ भी रखा हुआ था। नहीं वो एक्चुअली मेहंदी तो खत्म हो ही गई है तो मैंने उसे उतार दिया, काफी भारी थी इसलिए। चलो अब मेहंदी भी हो ही गई है, बस अब कल शादी हो जाए फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद सब लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और मेहंदी फंक्शन खत्म हो जाता है। सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं।
हो जाना। हो जाना। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। छुपाई होता है तो तुम जूते छुपाई।
कहो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम जूते चुराई कहोगी मैं नहीं दूंगा। क्या जूते चुराई और जूते छुपाई में क्या अंतर है? कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो तो ठीक है, मुझे जूते छुपाई ही दे दीजिए। हाँ ये हुई ना बात, अब बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे चाहिए पूरे 30,000। बस 30,000? ओके ये लो आपकी जूते छुपाई। जिमिन कुछ बोलते उससे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। हाँ ये मिस लड़ाकों को क्या हो गया, ये अचानक से भाग क्यों गई? कोई बात नहीं, शायद कोई काम होगा। बोलो काई, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम ऐसे ही मुझे बीच बीच से बुलाया करते हो तो सबको शक हो जाएगा। मेरी मर्जी, मुझे जब मन करेगा मैं तुम्हें तब बुलाऊंगा और तुम्हें तभी आना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो सब काई ने किया है। वो
शुदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने सालों से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने किसी को नहीं बताया। यहाँ तक तुमने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया। मॉम डैड से कोई बात नहीं छुपाई जाती है और तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, इसीलिए देखो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो। अब ये रोना धोना बंद करो, देखो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, समझी तुम? वो मेरे साथ फोर्स कर रहा था लेकिन मैंने उसको धक्का दिया और मैं वहाँ से भाग गई। इसी गुस्से में उसने वो वीडियो वायरल कर दी और अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम जैसी बेवकूफ लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। गलती उसने की है लेकिन सजा तुम भुगतोगी, ऐसा नहीं हो सकता। और मरने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तुम चलो। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, वरना वो लोग मुझसे फिर से गंदे गंदे क्वेश्चन करने लगेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट, मेरी जिमिन कहाँ है? मेरी जिमिन तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। वो कौन सी जिमिन है जो हमेशा लड़ती रहती है और आज देखो वो इतनी भीगी बिल्ली कैसे बन सकती है? जिमिन तुम क्यों डर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब डरो नहीं और चलो, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद शुगर जिमिन को बाहर लेकर आता है। मीडिया फिर से उसको घेरने वाली थी लेकिन शुगर उसे कहता है, दूर रहो, अगर तुम मेरी जिमिन के पास आए बिना तो तुम लोग बचोगे नहीं, समझे? तुम लोगों को आंसर चाहिए ना? फाइन, कोई बात नहीं, अब देखो मैं तुम सबको आंसर दूंगा, ठीक है? अब सुनो कि ये सब कैसे हुआ। फिर शुगर मीडिया को सारी बात बता देता है और उसके घर वाले भी सारी बात सुन लेते हैं और सब लोग शॉक हो जाते हैं बिकॉज काइल बहुत ही अच्छा बंदा था सबके सामने। जिमिन, इतनी बड़ी बात, तुम इतने सालों तक घुट घुट के जी रही थी और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारे डैड हूँ, तुम मुझे बता सकती थी। डैड का छोड़ो, तुमने मॉम को भी कुछ नहीं बताया। मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ, अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करती, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया और देखो क्या हो गया। आई एम रियली सॉरी मॉम, बट मैं क्या करूँ, मैं जैसे ही आप लोगों को बताने के लिए आती थी काई मुझे फिर से ब्लैकमेल करने लगता था कि वो वीडियो वायरल कर देगा, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी बट अब मैं क्या करूँ, उसने तो वीडियो वायरल कर दी और अब तो सब मुझे डर्टी डर समझेंगे। जिमिन, मुझे लगा था कि तू काई को लाइक करती है इसलिए हर बार उसका ही साथ देती रहती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम खेल रहा है। वो काई का बच्चा है कहाँ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सही कहा अंकल, उस काई की जिंदगी में काई लगाने का टाइम आ गया है, वो है कहाँ? शुगा, मैंने देखा था कि अभी काई अपनी कार से जा रहा था, इसका मतलब वो भाग गया। भाग गया? वो बचेगा नहीं, भाग के जाएगा कहाँ? आखिर से उसे तो पुलिस की जेल में जाना ही पड़ेगा। मैम, अब बताइए कि अब आप क्या करने वाली हैं? आपसे तो कोई शादी नहीं करेगा बिकॉज सोसाइटी को तो आप जानती हैं कि गलती चाहे किसकी भी हो लेकिन लड़की को ही गलत ठहराया जाता है। मैं करूँगा जिमिन से शादी, और हाँ अभी इसी वक्त आज ही मैं जिमिन से शादी करूँगा और आज के बाद कोई भी उसे डरती नहीं कहेगा। जिमिन, क्या तुम उसे शादी करोगी? लिसा, क्या तुम अपनी दूसरी बेटी भी मेरे घर में करोगी? बिकॉज मुझे जिमिन पहले से पसंद थी और मैं तुमसे पूछने ही वाली थी कि क्या तुम मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करोगी कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद ही मैं पूछूंगी, लेकिन टाइम ही ऐसा आ गया कि मुझे अभी पूछना पड़ेगा। क्या तुम अपनी दूसरी बेटी भी मेरे ही घर में करोगी? आपके सामने ये सब हुआ है फिर भी आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने की बात कर रही हैं, क्या सच में? क्योंकि इसमें बेचारी जिमिन की कोई गलती नहीं है तो उसको सजा क्यों मिले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर में आ जाए, तो प्लीज उसकी शादी मेरे बेटे शुगर से कर दीजिए। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच इतना बड़ा एहसान करने के लिए। अरे बोगम, थैंक यू किस बात का, वैसे भी जिमिन हमारी भी तो बच्ची है ना, और अगर उसके साथ गलत होगा तो हमें भी तो नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में आ जाए। तो एक काम करते हैं, आज ही इसी वक्त हम लोग शुगर और जिमिन की शादी करवा देते हैं क्योंकि ते और जंगो की तो हो ही गई है। ये सारे आपने एकदम ठीक कहा। लिसा, क्या तुम तैयार हो? मैं आज ही तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ क्योंकि ते तो बन ही चुकी है और मैं जिमिन को भी बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज मना मत करना। मैं मना क्यों करूँगी, मुझे तो और बहुत खुशी है, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दूसरी बच्ची, वो उसका भी घर बच रहा है और वो भी इतने अच्छे घर में शादी हो रही है। तो ठीक है, आज और अभी शुगर और जिमिन की शादी होगी, मैं शुगर को रेडी करके लाता हूँ, तुम जिमिन को लेकर आओ। ओके, मैं अभी लेकर आती हूँ, चलो जिमिन। फिर उसके बाद तेज जिमिन को अपने रूम में लेकर जाती है और उसको रेडी करने लगती है। अदर साइड शुगर भी रेडी होने लगता है, जंगो को रेडी करने लगता है। सुभान अल्लाह है
से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां पास रह कर भी कोई आपको ये निकाह कबूल है आपको ये निकाह कबूल है कबूल है सुभान अल्लाह है इश्क सुभान चलो अब बैरिंग तो पूरी हो गई है बस मुझे अब अपनी दोनों बुबुओं को घर लेकर जाना है तो अब हमें चलना चाहिए वैसे भी बहुत लेट हो गया है तो अब हम चलते हैं अपना ख्याल रखिएगा आप लोग चिमंते अपना ख्याल रखना मुझे नहीं पता था कि आज मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर हो जाएंगी पर कोई बात नहीं तुम लोग अपना ध्यान रखना एंड हां मिलने आते रहना मिस लिसा आपको रोने की नहीं खुश होने की जरूरत है बिकॉज अब आपकी बेटियों की शादी हो गई है और देख लेना हम लोग आपकी बेटियों को बहुत खुश रखेंगे एकदम मॉम डैड का प्यार देंगे डोंट वरी आंटी मैं जिमिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा एंड हाँ किसी भी चीज की उसे कमी नहीं महसूस होने दूंगा आप फिक्र मत कीजिए हाँ आंटी मैं भी तेरे का पूरा ख्याल रखूंगा अब हमें चलना चाहिए वैसे भी बहुत लेट हो गया है तो और लेट नहीं करते हैं वरना ज्यादा रात हो जाएगी फिर उसके बाद सब लोग एक दूसरे को हग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जिमिन बाहर आओ हम लोग पहुँच गए उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं टेको अलग रूम में चले जाते हैं और यमन अलग रूम में चले जाते हैं काई ने मेरी बहन के साथ ठीक नहीं किया अगर शुगर ना होता तो पता नहीं मेरी बहन का क्या होता मुझे इसी बात की टेंशन है अब क्यों टेंशन ले रही हो अब तो तुम्हारी बहन की शादी भी हो गई है और वो भी तुम्हारे ही पास हुई है तुम उसे हर टाइम देख सकती हो और देख लेना मेरा भाई उसका पूरा ध्यान रखेगा जिमिन तुम थक गई होगी ना एक काम करो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ आई होप कि तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ये रूम मुझे जैसा पसंद है वैसे ही मैंने अपने रूम को डेकोरेट करवाया है पर अब तुम्हें जैसा पसंद हो तुम वैसा कर सकती हो शुगर को मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है कि तुमने शादी क्यों की तुम मुझसे प्यार करते हो मतलब तुम कहना क्या चाहती हो अब मैंने शादी क्यों की तुम भी जानती हो जिस कंडीशन में तुम थी उस टाइम शादी करना ही एक बेटर ऑप्शन था इसलिए मैंने की ओह तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी लाइफ पर बात कर दी ना तुम पूरी लाइफ मेरे साथ कैसे रहोगे जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने मेरे लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी मैं क्या बोलूं अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी शुगा इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है लेकिन शुगा उसे बैक हग करके कहता है आई लव यू सो मच मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार कब हो गया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगन का साइड हो गया है लेकिन तुम उसे करती नहीं हो लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए शादी नहीं की मुझे भी ये शादी करनी थी लेकिन हाँ मैं शादी करना तो चाहता था लेकिन इस कंडीशन में नहीं जैसे हमारी हुई है लेकिन अब मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर किसी के दिल में आपके लिए फीलिंग नहीं है ना तो आप कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकते अब मैं चाहे कुछ भी करूं मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करोगी कोई बात नहीं मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा लेकिन हाँ मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा इतना बोलकर शुगा वहाँ से जाने लगता है फिर जिमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है और जिसके दिल में फीलिंग आ गई हो तो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या फिर नहीं लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि मुझे तुमसे अटैचमेंट हो गई है बिकॉज तुम शादी में मेरे साथ जब फ्लर्ट करती थी ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था लेकिन मैं तुम्हें दिखाती नहीं थी लेकिन तुम्हें डांट कर वहाँ से चली जाती थी बिकॉज मुझे शायद फील होता था मुझे कभी प्यार नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता है कि प्यार कैसा होता है लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अटैचमेंट हो गई है और अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है सिर्फ अटैचमेंट है वो तो फ्रेंड से भी होती है कोई बात नहीं अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ तुम यहीं पर रहो शुगर शायद तुम समझे नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल पा रही हूँ तो तुम खुद समझ जाओ ना मैं कैसे बोलूँ मैंने कभी किसी को बोला नहीं तो इसीलिए मुझे बहुत अकॉर्ड फील हो रहा है तो मैं नहीं बोल पा
पा रही, तुम खुद समझो। क्या समझूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्लीज मुझे सीधे शब्दों में समझाओ, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तुम इतने बुद्धू हो, मुझे पता नहीं था। ओके मैं बताती हूँ, सच में। देखो मेरे साथ मजाक मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये मजाक। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन आज बोलती हूँ। बिकॉज आज मुझ में हिम्मत आई है तो मैं तुमसे बोल पा रही हूँ। ओके तुम्हें यकीन नहीं होता, मैं तुम्हें बिलीव दिलाती हूँ। ये क्या था, तुमने अचानक से? एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या बोलना चाहती हो। सारंगी बिल्लू, सारंगी 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 सारंगी, अब समझ में आ गया तुम्हें? अगर कोरियन नहीं आती है तो कोई बात नहीं, सब समझ में आ गया मुझे। और अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर शुगर जिमिन के क्लोज आने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है, नहीं मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन जब तक वो काई जेल में नहीं जाता है तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। बिकॉज मैं उसे जेल में देखना चाहता हूँ, उसने जो तुम्हारे साथ किया ना वो बहुत ही गलत था। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करेगा तब करना। वैसे भी अभी मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग किसी दिन और करेंगे, मुझे अभी फ्रेश होना है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फ्रेश के बाद जिमिन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन शुगर जिमिन को बिल्कुल भी टच नहीं करता है। टच करना तो क्या, वो उसके पास ही नहीं आता है। और ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं। जिमिन जिमिन तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो इतनी बड़ी गुड न्यूज है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो एक्चुअली वो काई पकड़ा गया, वो ना लंदन में छुप गया था, बिकॉज वो इस शहर से दूर चला गया था, लेकिन वहाँ भी पुलिस पहुँच चुकी है और उसे पकड़ चुकी है। वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ही खुशी है कि उसकी गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। जिमिन तुम्हें मेरा प्रॉमिस तो याद ही होगा, मैंने कुछ कहा था कि जब तक काई नहीं जेल में जाता है तब तक हम लोग क्लोज नहीं आएंगे। और अब तो जेल में काई चला भी गया तो क्या हम? मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम्हें परमिशन है। सच्ची? ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। तेरी बाहों